राजधानी रांची में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। राज्यसभा सांसद महेश पुद्दार, रांची के सांसद संजय सेठ, रांची के विधायक सीपी सिंह इस वक्त उपायुक्त कार्यालय के सामने आप देख सकते हैं कि सड़क पर बैठ गए हैं। दरअसल बीजेपी का यह उपायुक्त कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम, हेमंत सरकार में बेरोजगारी से तंग आकर बढ़ते आत्महत्या के मामले, युवाओं के साथ हुई वादा खिलाफी, भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था और अतिक्रमण के नाम पर अत्याचार एवं फुटपाथ दुकानदारों के साथ हो रही जाति के विरोध में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर ये रांची के विधायक सीपी सिंह, सांसद संजय सेठ, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय के साथ साथ राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार भी यहां पर सड़क पर बैठे हैं। एक साथ कई मुद्दों को लेकर, खास मुद्दा जो है वह जिस तरह से रांची के मोरहाबादी मैदान से दुकानदारों को हटाया गया है, उसी मसले को लेकर बीजेपी के ये तमाम नेता इस वक्त सड़क पर उतरे हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक एक कर इनसे बात करें और इनकी बात आप तक पहुंचाएं। आवाज को और मजबूत करके और आंदोलन तेज करेंगे। और ये देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सीपी सिंह, रांची के विधायक यहाँ पर बैठे हैं, डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय अब खड़े हो गए और लगातार अपनी बात सभी नेता रख रहे हैं। सर, क्या क्या डिमांड है, क्या डिमांड है आपका? जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, यही डिमांड। राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार भी है। महेश जी, क्या क्या डिमांड है आपको, क्यों सड़क पर उतरना पड़ा? तमाम जहाँ जनता सड़क पे है वहाँ नेता सड़क पे है। जब जनता को इस सरकार ने सड़क पे ला दिया तो नेता कैसे बचेंगे सड़क पे उतरने से? उनको भी उतरना ही पड़ेगा। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बहुत सारी डिमांड है लग रहा है एक साथ इसमें। किन मुद्दों को लेकर उपायुक्त के कार्यालय का घेराव? रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, 2021 का वर्ष, नियुक्ति का वर्ष का वादा कहाँ के माने मुख्यमंत्री आपका वादा? आपने कहा था यदि बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाएंगे, 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पाएंगे तो सत्ता छोड़ देंगे। आपने नौकरी नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कुर्सी से भी बैठे हुए हैं। राज्य का युवा परेशान है और आप अपने सारे विधायकों के लिए, अपने लिए आप एक अयाशी का अड्डा बनाने जा रहे हैं। ये सरकार शुद्ध रूप से युवाओं के साथ काम करने के विरोध में काम कर रही है। सरकार केवल लूट खसोट की सरकार हो गई है। नाम है जल जंगल जमीन की बात करती है, लेकिन इन तीनों को लूटने का काम ये कर रही है। खनन से जितने भी लूट हो सकती है ये लूटने का काम कर रही है और युवाओं को छलने का काम कर रही है। इसलिए आज हम युवा मोर्चा के लोग युवा विरोधी सरकार के विरोध में उपायुक्त कार्यालय घेरने आए हैं। तो ये देख सकते हैं कि डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय भी हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनकी बात भी आप तक पहुंचाएं। विजयवर्गीय जी, क्यों सड़क पर उतरना पड़ा और उपायुक्त का कार्यालय घेरना पड़ा? देखिए, जिस तरह का सरकार का बर्ताव है, जिस तरह से सरकार ने अपने एजेंडाओं को पूरा नहीं किया, जनता में आक्रोश है। चूंकि हम जिम्मेवार जनता के प्रतिनिधि हैं, पार्टी है, इसलिए आज सड़क पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग सड़क पे हैं। और जिस तरह से ये कार्य कर रही है सरकार, केवल यही नहीं बल्कि हर एक स्तर पर हम आंदोलन करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए जाएंगे। तो बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं कि डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय के साथ साथ रांची के सांसद संजय सेठ, रांची के विधायक सीपी सिंह और राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार भी ये उपायुक्त कार्यालय के घेराव के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अभी वे लोग यहाँ से निकल गए हैं और तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, जो लगातार हेमंत सरकार और हेमंत सोरेन के खिलाफ यहाँ पर अपनी आवाज जो है वह बुलंद कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि उपायुक्त कार्यालय है, उपायुक्त कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का जो प्रदर्शन है वह चल रहा है। क्या ये
मोराबादी से दुकानदारों को हटाया गया उसी को लेकर है। देखिए सिर्फ मोराबादी से दुकानदार को हटाए तो वहाँ पे तो लोग बेरोजगार हुए, लेकिन जो हेमंत सरकार ने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उसने अपना वादा खिलाफी किया, उसके विरोध में भी यह कार्यक्रम था। और हम लोग मांग कर रहे हैं हेमंत सरकार से उपायुक्त के माध्यम से कि जब तक रोजगार नहीं तब तक सरकार नहीं, या तो आप अपने किए हुए वायदे को पूरा करें और नेता गद्दी छोड़ दें। भ्रष्टाचार सरकार है, इसको एकदम जल्दी से जल्दी गति से उतारना है, उसके लिए सभी युवा यहाँ पे आक्रोशित है, आप देख रहे हैं। इन सभी को एकदम तुरंत तत्काल दे देना चाहिए, केवल लॉलीपॉप दे दे करके बरगलाने का काम कर रहे हैं युवाओं को। तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, ताकि ये बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वह उपायुक्त कार्यालय की तरफ नहीं बढ़े, और इसीलिए यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। क्या क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जो इन लोग का मनमानी बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, लोगों को जिस तरह से कोई भी इनसे मिलने जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ढंग से बात तक नहीं करते हैं, तो ये क्या जताना चाहते हैं कि इनका मोनोपोली, इनका अपना पापा जी का तो देन है नहीं कि पापा जी का जो चीज है उस पे हम अपने मन से जो मन करे वो करेंगे, तो ये तो गलत बात है। कौन इसका इन्वॉल्वमेंट, डीसी जो है ये कभी भी किसी से बात नहीं करते हैं, और ऊपर से लोगों को बोलते हैं कि हम जब चाहेंगे तब बात करेंगे, आपके चाहने से कुछ नहीं होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आज उनको उस जगह पे बैठा गया क्योंकि हम लोगों से युवाओं से जितने भी लोग हैं राज्य के जितने भी लोग हैं उन लोगों से बात करने के लिए, ना ही कि उनके मनमानी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं देन ये हम सभी का है कि वो वहाँ पे बैठे हैं और फिर भी हम लोग सभी लोगों से गलत व्यवहार करते हैं, तो इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग डीसी आवास घेराव किए हैं, कल अगर वो नहीं माने तो फिर हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, और ऐसा घेराव हम लोग का कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक इन लोग सुधरेंगे नहीं। तक बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि कई नेता और कार्यकर्ता इस घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, अब धीरे धीरे लौट भी रहे हैं, और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है डीसी कार्यालय का काफ़ी बढ़ा दिया गया है। यहाँ जो पोस्टर लगा था बीजेपी के नेताओं के तरफ से जो लगाया गया था उसे भी हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर ये बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर जुट रहे हैं। अपने सभी भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के युवा युवा साथियों से आग्रह, कृपया इधर आ जाएंगे। हम सभी लोगों का यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। जैसा कि आप सबने देखा कि आज भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची महानगर के बैनर तले हम सभी लोग आज रांची के उपायुक्त कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम रखे। यह हमारा एक सांकेतिक कार्यक्रम था, आने वाले दिनों में हम अपने जनप्रतिनिधियों के साथ इससे भी बड़ा विरोध का कार्यक्रम करने वाले हैं। हम लोग मुख्यमंत्री घेराव और विधानसभा घेराव का भी कार्यक्रम करने वाले हैं। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष सैयद तिवारी जी भी है। आने वाले दिनों में हम लोग बहुत जल्दी विधानसभा घेराव का कार्यक्रम करने वाले हैं, ताकि इस प्रदेश में जो युवाओं के साथ इतनी बड़ी संख्या में अत्याचार हो रहा है, जो बेरोजगार युवाओं को एवं सरकार ने ठगने का काम किया है, जो प्रति वर्ष 5 लाख से बेरोजगारों को रोजगार देगा और रोजगार नहीं देने का भैया। हम लोग दुकानदार, पान दुकानदार संघ है, हम लोग सभी दुकानदार हेमंत सरकार से त्रस्त हो गए, सभी दुकानदार जितने भी झारखंड के पान दुकानदार हैं उन लोग सभी त्रस्त हो गए हैं सरकार से। आए दिन कुछ न कुछ नए नए हथगंडे लेके आते हैं, अभी नया हथगंडा आ गया कि 1 अप्रैल से लाइसेंस का लागू हो रही है। सभी पान दुकानदार को बोला जाता है कि आप लोग लाइसेंस लीजिए, तो लाइसेंस लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद सरकार बोलती है कि आप लाइसेंस लेंगे तो पान सिगरेट बीड़ी अलग बेचिए,
पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, बिस्कुट अलग बेचिए। तो एक छोटे दुकानदार अगर सारा चीज नहीं बेच के अपना जीविका चलाए तो वो कैसे चलाए? सरकार उस तरह की जीविका दे कि मतलब बेरोजगार ना हो। अब एक दो फीट के गुमटी में चाहे कहीं भी चौकी में लगा के हम लोग दुकानदारी करते हैं। अब उस दुकानदारी में हम लोग पानी, बिस्कुट, चिप्स, कुरकुरे, सिगरेट, बीड़ी, पान सभी बेचते हैं। सरकार बोलते हैं कि दोनों का अलग अलग दुकान कीजिए, इसलिए कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम गरीब दुकानदारों को बहुत परेशानी हो रही है लाइसेंस को लेकर के, सरकार इस लाइसेंस को वापस ले ले।